वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है। दोस्तों आज बनाने वाले एशियन चिल्ली चिकन रेसिपी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए दोस्तों बनाने के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोनों चेस्ट लेंगे एशियन चिकन चिल्ली चिकन बनाने के लिए। दोनों को दो पीस से दो पीस कर लिया, मतलब एक को दो पीस करेंगे। कर लिए, पहले से धो के रखा, इसके ऊपर से पानी रहता है, इसके ऊपर से इसको पानी को साफ कर दीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाले क्रिप्स नहीं होगा। मसाला डालने के बाद पानी रहेगा तो कोई भी चिकन में। तो चार पीस इस तरफ से सफ़ेद कपड़ा नहीं तो टिश्यू पेपर से पानी को सुखा दीजिए। ऊपर से नमक डाल देंगे, इसका नमक डालने के बाद गोल मिर्च डाल देंगे, गोल मिर्च मतलब ब्लैक पेपर डालेंगे। तो इसका बाद में कॉर्नफ्लोर ऊपर से लगा के कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर से कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मैदा बिल्कुल नहीं डालेंगे। साथ में से नमक डालिए, ऊपर उस साइड में नमक नहीं लगा, मैं थोड़ा लगा देता हूँ अच्छे से तरफ से नमक और ब्लैक पेपर। इस तरफ से सारे को काट लेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट, क्योंकि हाथ में टाइम नहीं है। आप लोग कितना चकले से वीडियो बना के आप लोग सामने लेके आता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, आप लोग बिना कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों दोनों हो गया और दो कर रहा हूँ। इसका बाद में तवा बटा के फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों सारे कुछ तरफ से कर लिया। आप लोग ऐसे बनाए घर में बना सकते हैं, रेस्टोरेंट में जो भाई लोग काम कर रहे हैं वो लोग आसानी से कस्टमर को साफ कर सकते हैं। दोस्तों नॉन स्टिक तवा बस रहे, थोड़ी सी तवा ऑयल डालेंगे। आप लोग चाहे सेसमी ऑयल डाल सकते हैं, सेसमी ऑयल डाल के बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जैस्मिन ऑयल कोई आदमी पसंद नहीं था। इसका खुशबू किसी को सूट नहीं करता है, किसी को खा सकता है। तो इंडिया बार में चाइना जैस्मिन वो लोग असल में खा सकते हैं, तो हम लोग नहीं होता, इसलिए इस तरफ से दोनों दोनों पीस करके फ्राई कर लेंगे इस तरफ से। देखिए दोस्तों अच्छी तरफ से ऐसे क्रिस्प फ्राई करेंगे। देखिए पलट देंगे इसको उठा के अच्छे तरह से, देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर थोड़ा थोड़ा आ गया। बिल्कुल गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्राई हो गया अच्छी तरह से, चिकन ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और सबने पार्ट से तवा में फ्राई करने को और करी का साथ सॉस का साथ सॉर्ट करेंगे। दोस्तों इस तरह से सारे को कर लिया, देखिए कितना आसानी से क्रिस्प हो गया। लगभग आप लोग सोच रहे चिली चिकन तो बड़ा है पीस क्यों है, उधर का स्टाइल में ऐसे जाता है। दोस्तों थोड़ी सी तेल लेके साथ में डालूँगा थोड़ी सी गार्लिक, थोड़ी की जिंजर चॉप। इसके बाद में अच्छी तरह से दोनों डालने के बाद अच्छी तरह सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद दोस्तों डालूँगा चिल्ली पेस्ट। आप लोग चाहिए सेसवान सॉस डाल सकते हैं। इसका साथ में डालेंगे थोड़ी सी रेड चिल्ली केचप, रेड चिल्ली सॉस। इसका बाद में डालूँगा ओस्टर सॉस, थोड़ी सी डालेंगे ओस्टर सॉस। डालने के बाद अच्छी तरह सॉर्ट करेंगे। आप लोग चाहिए स्पाइसी थोड़ा होगा, स्वीट होगा थोड़ा। दोस्तों थोड़ा नमक डालेंगे और नींबू का रस। देखिए दोस्तों हनी डाल रहा हूँ, हनी ज़रूरी है, वो मीन से हनी चाहिए। इसका मतलब स्टॉक वाटर थोड़ी सी डाल दिया। सो हो गया हमारा सॉस बन के, थोड़ी सी नमक, नींबू का रस मतलब नींबू का जूस डाल दिया हाफ पीस का। देखिए कितना मस्त सॉस बन गया। थोड़ा साथ होने से नमक डालेंगे, चाइनीज सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी शुगर डालेंगे। इसका अंदर पीस को सारे को इस तरफ से डाल देंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगा, थोड़ा टिका रहेगा ग्रेवी। ग्रेवी के साइड में सेमी ग्रेवी टाइप पेस्ट टाइप रहेगा, आप लोग बढ़िया रहेगा, बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। कोई भी डिश स्टार्टर्स का हिस्सा में स्टार्टर बना रहा हूँ। आप लोग नान रोटी और फ्राइड राइस का साथ साफ कर सकते आसानी से खा सकते हैं, बहुत मस्त रहेगा। ऊपर से डालूँगा रेड चिल्ली
स्प्रिंग अनियन डालेंगे, इसका मैं रेड चिल्ली का चॉप डालूंगा, वो जरूरी है रेड चिल्ली का। रेड चिल्ली मतलब लाल वाला हरा मिर्ची आता है, इसमें से टुकड़ा पीस कर लिए ऊपर से डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका इस तरफ से दोनों साइड में मसाला लगा लेंगे, सॉस लगा लेंगे। हो गया, अभी चूल्हा बंद करेंगे, टेबल में साफ करेंगे। दोस्तों देखिए हो गया, अब प्लेट में साफ करेंगे। कितना बेहतर देखने को, लुकिंग दिस गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे खुशबू जबरदस्त है, आप लोग चाहिए तो जरूरी बना के कमेंट बॉक्स में और करिए। और एक बाकी है, डाल देंगे इस तरह से चारों पीस डाल के अच्छे तरह से, थोड़ा सा नींबू का पीस टुकड़ा पीस डाल के। आप लोग चाहिए लेफ्ट जो साइड में रख सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं रख रहे। मैं ओनली नींबू रखेंगे दानिश के लिए, और स्प्रिंग अनियन ऊपर से डालेंगे, और थोड़ा रेड लाल वाला हरा मिर्ची रहता है इसको डाल। रेसिपी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे को शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पेज में फॉलो कर लीजिए। तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे रेसिपी लेकर।